हेलो एवरीवन, आज की इस ब्लॉग में मैं आज जो कि एक क्रांतिकारी महिला के विचारों के बारे में बताएंगे और उनके जीवन के बारे में बताएंगे। देखिए, हम तो ब्लॉग बनाते हैं, अक्सर कहीं घूमने नहीं जाते हैं, तो देखिए हम एक स्टूडेंट हैं, तो क्या होता है कि जो भी नोट्स होता है सोचता हूँ कि आप लोगों के बीच शेयर किया जाए और अच्छा रहता है। तो क्रांतिकारी महिला ओलंप द गुंज का जीवन 1748 से लेकर 1793, देखिए इनका जो है पढ़ने का आप लोगों को मिलेगा 9th क्लास के हिस्ट्री में। तो अच्छा लगा इनका विचार, सोचा कि आप लोगों के बीच शेयर किया जाए ताकि आप लोग भी इनके विचार को जानें। तो देखिए पहले इनकी हम जीवनी देखते हैं। ओलंप दे गुंज क्रांतिकारी फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसलिए उन्होंने 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा गया कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ओलंप दे गुंज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। देखिए फ्रांस की क्रांति आप लोग पढ़ेंगे तो देखिए फ्रांस में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ और इन सुधारों में बहुत बड़े बड़े लोगों का योगदान भी रहा है। और हम इतिहास में देखते हैं या वर्तमान की स्थिति, तो महिलाओं की स्थिति जो कि दयनीय रही है कभी भी, तो उसी में से ये एक थी जो कि सुधार की थी। अब इनका हम देखते हैं कि ओलंप दे गुंज के घोषणा पत्र में उल्लिखित कुछ मूलभूत अधिकार। औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुषों के समान है। ये बात सही है, हम लोग जो कि अपने अपने ढंग से अलग अलग तरीके हम बना लेते हैं, भेदभाव करते हैं, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है। ये हमारी और आपकी सोच पर डिपेंड करता है। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष या महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है जो पुरुषों या महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। यह सभी के समान होना चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपने योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान एवं सार्वजनिक पद के हकदार है। कोई भी महिला अपवाद नहीं है। वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार नजरबंदी की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। तो ये था इनका विचार। और देखिए मैं भी बता दूं कि देखिए मैं भी जो कि एक अपने आप को महिलावादी मानता हूं और महिलाओं का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये हर एक समाज में और हर जगह होना चाहिए। इस तरह के विचार सभी को होने चाहिए और सभी स्टूडेंटों का होना चाहिए। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनसे तो मैं यही कहूँगा, रिस्पेक्ट वीमेन, कहीं भी किसी कैसी भी तरह की वीमेन का रिस्पेक्ट करें। गलत नज़र और गलत तत्वों का बढ़ावा नहीं देना चाहिए, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ। देखिए इसके दो फायदे, यदि आप ये सोचते हैं कि किसी दूसरी लड़की का इस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है तो मेरे साथ नहीं, कल आपकी भी सिस्टर की या रिलेशन में जब ऐसा आता है तो उस समय आदमी लज्जित हो जाता है। तो हम ऐसा बनाएं ताकि कोई भी शर्म और सभी महिलाएं भी जो कि समाज में सीना टान के चले, ऐसा भी तो बन सकता है। अंतर कुछ नहीं है, बस ये हमारा दिमाग है। दिमाग की बातों पर जाएंगे तो बहुत उलझे रहेंगे। बाकी क्या आप लोग भी महिलावादी है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।